मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक टॉपिक बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर इन 1930। इट इज बेस्ड ऑन टू डेवलपमेंट्स। नंबर वन, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नंबर टू, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और एविडेंसेस from atomic spectrum. On the basis of these two developments, Bohr proposed first model to explain quantitatively the general features of hydrogen atom and its spectrum. It is based on following postulates. Number one, electrons revolve only in fixed circular orbit with fixed एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो उस समय उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होता है। जब और वह इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वह सर्कुलर ऑर्बिट भी फिक्स्ड होती है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस, इन तीनों का प्रोडक्ट को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, जिसको एल से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंड ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन दिस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस विल बी इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। यानी इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई के बराबर होगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल। यदि वह फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करता है तो एन का वैल्यू वन हो जाएगा, सेकेंड में करेगा तो एन का वैल्यू टू हो जाएगा। यानी जिस सेल में वह रिवॉल्व करेगा उस सेल में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। थर्ड, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स सेंट्रीपेटल फोर्स। ड्यूरिंग रिवॉल्विंग सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपेटल फोर्स, और जिस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे। फोर्थ, व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स एनर्जी नॉर लूज एनर्जी, हिंस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और सेल इज फिक्स्ड, therefore orbit or sail is named as stationary states or stationary energy level। उनका कहना था कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट जिसका फिक्स्ड एनर्जी होता है, फिक्स्ड वेलोसिटी होता है जिसमें रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन का, तो उस समय इलेक्ट्रॉन ना तो अपनी एनर्जी को लूज करता है ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब। यानी जब तक वह एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस समय उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। देयरफॉर ऑर्बिट और सेल इज नेम्ड एज स्टेशनरी स्टेट और स्टेशनरी एनर्जी लेवल।
तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल का डिफरेंट पोस्टुलेट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. थैंक यू.